यूनिवर्सल वीजा द्वारा यहाँ पर आज ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर लगाया गया है। जैसे कि एक बार मैं आपको लाइव तस्वीरों में दिखाना भी चाहूंगी, करनाल के बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर आप भी सोच रहे थे अब्रॉड सेटल होने की या फिर बाहर जाके स्टडी करने की, तो एक बार आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। आज शाम 4 बजे तक जो है ये सेमिनार चलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ के जो ओनर है यूनिवर्सल वीजा के, असीम सर, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी एक बार हम जानना चाहेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी सर, इवेंट के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन कौन आज यहाँ आने वाला है और क्या कुछ जो है नॉलेज, क्या कुछ टिप्स जो है आप बच्चों को देने वाले हैं? थैंक यू। हाय एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्सल वीज़ा एक कॉमन ब्रांड है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में, और वो असिस्ट करता है स्पेशली इंडियन ऑफशोर मार्केट को कि माइग्रेट करें। और आज का जो हमारा इवेंट है वो ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशन फेयर के बारे में है। दैट मींस हमने स्पेसिफिकली 5-6 कॉलेजेस को ही पिक किया है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, जहां हमारे प्रीवियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आउटकम पॉजिटिव आए हैं। तो हमारा उनके साथ और हम उनके पायनियर एजेंट भी हैं। तो आज उन्होंने भी अपने डेलीगेट्स यहाँ भेजे हैं हमारे लिए। यहाँ सिर्फ करनाल डिस्ट्रिक्ट के नहीं, और भी बाहर से, पंजाब से, यूपी से और बहुत आसपास रीजन से लोग आए हैं, और अभी पीछे से और भी हमारे लोग आ रहे हैं, हमें फ़ोन आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा, हमें बढ़ चढ़ के, हमने भी बहुत मार्केटिंग करी, हमने भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ और अभी अभी और बहुत माया एंटरटेनमेंट्स, बहुत माध्यम से आप तक पहुँचने की कोशिश करी। क्या कारण है हमारे आप तक पहुँचने का, वो ये है कि हम लाइसेंस प्रैक्टिशनर है, प्रिस्क्राइब्ड हैं। बहुत लोगों के साथ जो धोखेबाजी हुई है, हमने उन चीज़ों को भी कंसिडर किया है। हम चाहते हैं कि वो सब ब्रिज करा जाए, उन्हें लीगल फॉर्मेट के माध्यम से हम आप तक पहुंचे। और ये प्रोग्राम इसी बारे में है कि किस टाइप ऑफ वीज़ा को आप ले सकते हैं, कहाँ कहाँ आप एलिजिबल है। आपको अपफ्रंट बताया जाएगा कि इतनी आपकी कॉस्टिंग है, इतनी आपकी यहाँ तक आप, यू कैन लूज, यू कैन गेन, वट एवर अपफ्रंट। और वो भी आपको, आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं है। इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं 15 से ऊपर करनाल डिस्ट्रिक्ट में, वो लोग भी अपने अपने व्यूज़ आपके आगे लाएंगे। तो ये सारी बातें भी हैं। आज के जो स्पेशल इंसेंटिव्स हैं, उनमें से एक है हमारी ATMC। आज हमारी ATMC डेलीगेट से हमारी एक टीम आई है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ATMC से, वो आपके सामने खड़े हैं, इधर खड़े हैं। ये आपको बताएंगे कि कैसे डिग्री प्रोग्राम्स जो आप ले सकते हैं ऑफशोर में, 2019-18 जो अभी पास आउट हुए हैं, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उन लोगों के लिए। ATMC के 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, USC और फेड यूनिवर्सिटी, और उनके 2 कैंपस हैं, सिडनी भी और मेलबर्न भी। अब यही मेनली जो ज़्यादातर लोगों के रिलेटिव्स भी यहीं होते हैं और वो यहीं जाना चाहते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है, वो एक पहलू है। अभी हम उसी एक पहलू के बारे में बात करेंगे। ATMC की टीम आपको बताएगी कि क्या प्रीक्विजिट रिक्वायरमेंट है, जिनके 60% से ऊपर हैं, आईलेट्स PT उन्होंने कर रखा है, दोनों एक्सेप्टेबल फॉर्म्स हैं, वो कैसे कैसे जा सकते हैं, कैसे कैसे ब्रिज हो सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। पर मैम अभी बताएंगे आपको प्रीक्विजिट रिक्वायरमेंट क्या है, वो यहाँ के डेलीगेट्स हैं, हम उनके साथ कैसे जुड़े हुए हैं। तो फर्दर आई पुट यू ऑन टू ATMC टीम। हमारे साथ यहाँ जो ATMC टीम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनिवर्सिटी की, वो भी मौजूद है। उनसे भी एक बार हम बातचीत करना चाहेंगे। जी मैम, क्या कुछ है? वेरी गुड आफ्टरनून। सो व्हाट यू वुड लाइक टू से टू द व्यूअर्स ऑफ करनाल, लाइक व्हाट स्पेशल टिप्स, डिफरेंट टिप्स यू हैव ब्रॉट टुडे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यूनिवर्सल वीज़ा फॉर गिविंग अस सच, द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स फॉर गिविंग सच अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे लोग आए हैं और वो जानेंगे कि वाई ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्टडी डेस्टिनेशन, इट्स द थर्ड मोस्ट पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो वी विल गिव यू एन ओवरव्यू वाई, बिकॉज हम इंडस्ट्री को जानते हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है लीगली, व्हाट ऑल इज हैपनिंग देयर, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग ATMC, ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एंड मैनेजमेंट कॉलेज। इसके बहुत सारे कैंपस है इन सिडनी एज वेल एज इन मेलबर्न, एंड वी हैव अफिलिएशन टू 2 वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़। वन इज यूनिवर्सिटी ऑफ द सनशाइन कोस्ट एंड द सेकेंड इज फेडरेशन यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो देयर ओनली। सो हमारी इन दोनों के साथ बहुत ही रिकोगनाइज यूनिवर्सिटीज है। सो वी विल बी टेलिंग यू की IELTS रिक्वायरमेंट्स, जो प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है अकेडमिकली, एज वेल एज जो इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट्स होती है, गैप होना चाहिए, वॉट ऑल वर्क एक्सपीरियंस फॉर स्पाउस वीज़ा, फॉर अदर देन यू नो डिपेंडेंट्स के लिए वॉट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर देयर। सो वी विल बी गिविंग यू एन ओवरव्यू। यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर द पेरेंट्स, वो जानेंगे एंड यू नो यूनिवर्सल वीज़ा के साथ यू नो बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एजेंट्स एंड वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड, सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द करनाल व्यूअर्स। तो जैसा कि मैम ने बताया कि बहुत ही लॉयल और जेन्युइन तरीके से यहाँ काम किया जाता है। अगर आप भी चाहते थे बाहर सेटल होना स्टडी वीज़ा के बेसिस पे, PR हो या फिर कुछ और, तो आप भी एक बार यहाँ के विजिट ज़रूर कर सकते हैं, असीम सर से बात कर सकते हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो क्लियर कर सकते हैं और आगे फिर सोच सकते हैं कि अपनी फर्दर स्टडीज़ आप कहाँ से कंटिन्यू करना चाहेंगे। नीरा माटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।
करनाल के होटल प्रेम प्लाजा में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पिछले काफी दिनों से आपको पता था कि किस तरह से करनाल के होटल प्रेम प्लाजा में एक यूनिवर्सल वीजा जो एक सेमिनार लेकर आए हैं उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम नौजवानों के लिए जो बाहर जाने के इच्छुक हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सेमिनार रहा, ना सिर्फ करनाल बल्कि नियर बाय जो स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, काफी संख्या में नौजवान लोगों ने, युवाओं ने यहाँ पर हिस्सा लिया और काफी लोग जो है इंटरेस्टेड नजर आए यूनिवर्सल वीजा के थ्रू बाहर जाने के लिए। और इस समय जो यहाँ के एसोसिएट्स हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, काफी अच्छी सेमिनार रहा, काफी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? मैं चरण कमल फ्रॉम करनाल। माई एजुकेशन इज एक्चुअली फ्रॉम करनाल, बेसिक एजुकेशन, एंड आई हैव सीन दैट इन दिस टीम एजुकेशन स्टूडेंट वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड, दे आर मैनी कल्प्रिट्स, यू कैन ऑल्सो शी ब्लैक शिप्स। तो जैसे हम देख रहे थे भाई गलत गाइड हो रहे हैं पब्लिक। तो असीम इज माई क्लास फेलो फ्रॉम बेसिक स्टडीज, तो उससे मेरी बात ये चलती रहती थी भाई हमने देना चाहते हैं पर अच्छे लेवल का देना चाहते हैं, भाई अच्छी गाइडेंस देना चाहती है, मनी मेकिंग इज नो बिग डील, वो पैसे भी परमात्मा दे देता है अगर आपकी सोच अच्छी हो। तो ये जो असीम भी अच्छा कर रहे थे काफ़ी टाइम से, ये लोगों को अच्छा गाइड करते हैं, तो दिल में बिल्कुल कुछ नहीं है, साफ है। तो इस लाइन में जब हमने स्टार्ट किया तो ऑस्ट्रेलिया मेरे दो तीन चक्कर लगाए मैंने ये इसका वर्कआउट करने के लिए। तो फिर मेरे ऑलरेडी जो फ्रेंड्स हैं वो भी कई ऑनर्स हैं कॉलेजेस के, तो उनसे मेरा फीडबैक जो लिया गया, तो उस बिहाफ में अब हमने भी एक इनिशिएटिव लिया है। इट्स ए मे बी 10-year-old इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश इन ऑस्ट्रेलिया एंड वी हैव गॉट अ फ्रेंचाइजी फ्रॉम देम, इट्स ए मेडिकस कॉलेज एंड आफ्टर वी विल हैव अ स्पीच विद यू एंड यू गॉट टू लर्न फ्रॉम देयर। तो आपने देखा कि काफी लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं और हम आपको बताएं कि आप भी चाहते हैं इस सेमिनार का हिस्सा बनने, तो 4 बजे तक ये सेमिनार करनाल के होटल प्रेम प्लाजा में चलेगा, तो आप भी जरूर पहुंचे। जो यूनिवर्सल वीजा से अपर्णा जी मैम हमारे साथ, क्या कुछ बताना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा सेमिनार आज आयोजित किया, कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंचे और क्या कुछ किस चीज को लेकर यह सेमिनार रहा? काफी विषय ऐसे होते हैं कि युवाओं को खासतौर पर जो काफी डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हुए यहाँ पर नजर आए, क्या कहना चाहेंगे? वेलकम अगेन। जो जिस तरीके से हमारा इतने टाइम से एडवर्टीजमेंट चल रही है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर को लेकर, आज फाइनली हमने ऑर्गेनाइज करवाया है एंड दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय असीम साइनी, सीईओ ऑफ यूनिवर्सल वीज़ा। देखिए आज का जो हमारा मोटिव है, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम एप्लीकेशन यहाँ से लेके जाएँ, सभी पेरेंट्स सेटिस्फाई होकर जाएँ, चाहे वो आईलेट से रिलेटेड हो, चाहे वो पीटी से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, पीआर हो। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम सभी की नीड्स को पूरा करें। एंड रही बात जेन्युइन की, वो आप हमारी वेबसाइट्स पे देखें कि हम किस तरीके से हमारा काम है। कुछ हमारे एसोसिएट्स आए हुए हैं एटीएमसी से हैं मैम एंड उशियाना पॉलिटेक्निक से, सो वो आपकी क्वेरीज को पर्सनली लेंगे और पर्सनली आपको गाइड करेंगे, कि आपको ये भी बताएंगे कि आपको आईलेट्स करना है या पीटी करना है। सभी तरीके के जो कोर्सेज चलाए जाते हैं, जैसे डिप्लोमा को लेकर और बिजनेस कोर्सेज हैं हमारे, सभी तरीके की आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपने देखा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो इंटरेस्टेड यूथ है वो यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और सभी लोगों के डाउट्स जो है यूनिवर्सल वीजा और जितने भी उनकी जो टीम्स यहाँ पर पहुंची हैं, चाहे अब्रॉड से हो चाहे इंडिया से हो, सभी डाउट्स जो है उन युवाओं के क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। आप जानते हैं गगनदीप जो नॉर्थ जोन के हेड हैं वो भी हमारे साथ हैं, हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बल्कि मैं तो बहुत सालों से बिना किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के मैं प्रमोट करता था पीटी को। और आप सब ने भी देखा है जिन लोगों ने पीटी किया होगा, पीटी का फायदा कितना होता है कंपेयर टू आईलेट्स। और हमारे साथ हैं एटीएमसी की टीम है, हमारे साथ करनाल हरियाणा ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी अभी न्यूज़ है, माय एंटरटेनमेंट भी आ रहे हैं, कुछ लोग हमारे पंजाब से भी आ रहे हैं, तो वी ऑल आर वेटिंग एंड आपकी वेट पूरी हुई। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, असीम बैक एंड द सीईओ यूनिवर्सल वीजा। दिस टाइम आई ब्रॉट यू अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, दैट इज पीटीई।
एज ऑल ऑफ यू नो कि पीटी और जो आईलेट्स है वो इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हैं, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए पीटी बहुत कामयाब हुआ है। हमने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया, हमारी टीम ने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, सब लोगों ने जब उस सेम एबिलिटी पे जब टेस्ट दिया तो आईलेट से ज़्यादा पीटी को स्कोर आया, तो हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो वो स्कोर ही होता है जो मैटर करता है, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंसी हो, चाहे इट इज़ बी फॉर इट फॉर स्टूडेंट वीज़ा, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा, मतलब कोई और वर्क वीज़ा भी हो, तो उन सब चीज़ों में भी एक्सेप्टेबल होता है फॉर्मेट। तो आज हम आपके लिए लाए हैं हमारे गगनदीप, जो जिनके साथ हमारा बहुत सालों से रिलेशन भी है और आगे हम उनके अप्रूव्ड पीटी सेंटर भी ओपन कर रहे हैं 3-4 डेस्टिनेशंस पे जी जो कोचिंग सेंटर होंगे। जो गगनदीप हैं वो पीटी के हेड हैं, जो नॉर्थ जोन के हेड डिपार्टमेंट से हैं, वो आपको बताएंगे कि पीटी की कितनी वैल्यू है आज के टाइम में इंग्लिश कंट्रीज के लिए। तो आई पुट यू ऑन टू गगनदीप। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को पीटी के बारे में, स्पेसिफिकली कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके लिए पीटी जो है बेटर ऑप्शन रह सकता है इंस्टीड ऑफ आइल्स? पीटी जो है पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है, इट्स वैलिड इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन इन यूएसए में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूके में 96% यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट कर रही हैं और इवन इन कनाडा 88% यूनिवर्सिटीज पीटीई वैलिड है अलॉन्ग विद कुछ यूरोपियन नेशंस को मिलाकर। और पीटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है इंडियन मार्केट में और इवन अदर्स मार्केट में, उसका मेजर रीज़न है ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज टेस्ट है, विच इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर अ स्टूडेंट, क्योंकि कोई एग्जामिनर नहीं होता देखने के लिए, तो बच्चा बहुत कंफर्टेबल फील करता है अपने स्पीकिंग मॉड्यूल को लेके। और ये वर्ल्ड का पहला ऐसा टेस्ट है जिसके चारों के चारों मॉड्यूल्स कंप्यूटर ने चेक करनी है, कोई ह्यूमन असेसमेंट नहीं होता, विच एक्चुअली एड अ वैल्यू फॉर अ स्टूडेंट बिकॉज उसे एक्यूरेट असेसमेंट मिल रहा है। तो जैसा कि सर ने बताया कि पीटी जो कि एक ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें ह्यूमन वैल्यूएशन नहीं होता, एक एग्जैक्ट जो है चेकिंग भी होती है, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन भी रहती है। तो हमारे आप सभी से अपील है इस वीडियो को साथ साथ शेयर भी जरूर करें और जो भी लोग सोच रहे थे बाहर जाने का एक बार यहाँ कर विजिट जरूर करें। तो एज यू सी ऑन द स्क्रीन यूनिवर्सल वीजा का मैं एज ए सीईओ हूं, मैं लाइसेंस प्रैक्टिशनर हूं ऑफिस ऑफ माना से, जैसे आईसीआरए का होता है कनाडा से, उसी तरह हर कंट्री का जो वहां का सिटीजन होता है उसी को परमिट दिया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है। मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हूं, मैं ओसीआई पे यहां रह रहा हूं, जो जिसमें इक्वल पैरिटी है इंडिया में भी। तो अब क्या है कि और ऐसे कई लोग भी होते हैं जो कई कॉलेज के ओनर हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं बाहर जाके, फिर वापस इंडिया आ जाते हैं। कईयों के सपने होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, पर उनमें क्या होता है कि पेरेंट्स का भी मान बढ़ जाता है कि यार मेरा